नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इस कार्यक्रम के तहत वार्डों का हाल जानने हम निकले हैं और आज आप पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 42 पंडित सुल्तान लाल शर्मा वार्ड। यहां पर 5 साल में वर्तमान पार्षद ने कितना विकास किया ये जानने की कोशिश करेंगे। आम जनता से भी बात करेंगे, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको लेकर कितना कामकाज यहाँ पर हुआ है। पाँच साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ है? 5 साल में जो है हमारे अमरपुरी में जो है आज जो है अभी 7 लाख का जो है रोड बन रहा है, पूरे सीसी रोड। ये वाला जो रोड है उसका भी काम चालू होने वाला है और यहाँ पे घर घर जो है सबको नल दिए हुए हैं और निराश्रित पेंशन और विधवा पेंशन का भी जो है पूरा यहाँ पे हम लोग शिविर लगा के बनाए हैं। हाँ, जिसका अगर कार्ड नहीं बना है गरीबी रेखा का कार्ड तो वो जो है वो सूची में नाम नहीं होने के कारण उसका नहीं बनता है। बाकी सारा चीज़ है, पूरे मोहल्ले में अमरपुरी में पूरा विकास हुआ है और घर घर नल लगा हुआ है। आज भी 7 लाख का जो है काम चल रहा है वहाँ रोड, है ना, रोड नाली का काम चल रहा है। इसका भी रोड का काम चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। क्या बड़ी समस्याएं थे पहले वार्ड में? समस्याएं यही थी यहाँ पे कि जो है रोड का थोड़ा सा समस्या था, तो पूरे मोहल्ले वाले लोग गए थे पार्षद महोदय के पास में, बोले भैया रोड ख़राब है, रोड बना दीजिए करके। तो हमारे बिजमोहन भैया जो है अभी 56 लाख रुपए जो हमारे वार्ड के लिए दिए थे वो जो है वार्ड के लिए नजरों में काम ठीक किया पार्षद? हाँ, काम ठीक किया सर। आप बताओ दादा। हाँ, वो बता रहे सही कहना है, और क्या है इधर आप बताओ। हाँ, काम हुआ है कुछ 5 साल में? 5 साल में का काम हो है? कुछ काम नहीं हो है। सब मोहल्ला समस्या ढंग के ना, क्योंकि गड्ढा गड्ढा नाल खाने तेल में लड़का लोग मन एक्सीडेंट बराबर होते, ओकर बर कुछ नहीं हो है। काय होई कुछ नजाथत का बोल पार्षद का नजाथत न करे आएंगे करवाएंगे ऐसे बोलते हो का कही? बस ओकर से कुछ नहीं बोले। पानी आते वो अभी? हाँ, पानी आते आए बार पानी आ, मतलब समस्या साफ सफाई के? साफ सफाई भी वही 8-10 दिन में नाली झारे बार 3 दिन ले कुढ़ो रही, तीसरा दिन लेगी वो आधा नाली में चले जाते। आधार कार्ड बनी से तब वो गए ना स्मार्ट कार्ड की ना ओकरो बर गए तो लिस्ट में हमर मन के नामे नहीं है। नामे नहीं है और 60-70 साल के होते हमर मन के नहीं बने मन के ना ए साइड का है और ना यती बर के ना जतका 60, 65, 70 साल के वाले मन के ककरो नाम नहीं है। ए बारे में पार्षद ला बताए? पार्षद ला का गए अब जे नामे नहीं है तब हम काला बताएल जाबो? समस्या लेके नहीं गए? अब समस्या लेके नहीं गए थे नहीं। हाँ मानते बाबू छुटी छुआ मानते हो कुदे जाबे था ता छुआ छूट मानते वार्ड में दिखे 5 साल में? 5 साल में का 15 साल हो गए? 15 साल में काय करे कुछ नहीं करे है। हाँ, जेकर करे तेकर करे 15 गाँव हो गए। हमारा नल बोला था हमारे दुआरे में नल नहीं लगे बता? नहीं भैया देख ये मेरे 40 साल हो गए रहा है और नवा नवा आए तिकर मन के सब चीज बन गए है और हम मतलब 35 साल हो गए मेरे रहा पर का बने हैं कुछ तो नहीं बनावा थे। हम गरीबी रेखा कार्ड में 4 साल ले हम 4 जन एक जन बेटा बहु हमार भर रही साबेता ककरो नाम ले नहीं डाली। सास ससुर रही से अभी पार्षद का गा पार्षद में हम नहीं गए हन फिर इकर मन में गए गए हन 4 गाँव ले मैं निगम में जाके ना सब जन के फोटो कापी करवा कर 4-5 को पूछो भैया जाना थे काम काज कैसे होगा पर ककरो? अब काम काज वही काम काज है बेटा, वो कैसे बतावन बता अभी से का आवत है? करा तो है आवत है गोती भले ऐसे आ ही कहा थे नहीं आवत भैया घर पर पैसा ही कहते तेनो तो नहीं आवत का बाहर यही आही कहते 3-4 फार्म भरवाए हैं न आते नहीं है। पार्षद नहीं बोला है बारे कल डरे तो वही भर तो कहते आपका बाही तो नहीं जाना वो भूषण भैया हवा ये होल कई डरे न कहे न भैया बता मऊ काय की मैं बताऊं पैसा। हाँ, अब तो क्या क्या है ये जो है ये जो योजना है घर घर वाला जो योजना है वो योजना में क्या है कि यहाँ पे जो तालाब के जो किनारे है
वो जो है वो पटवारी से हम लोग बात किए हैं, यहाँ पे जो इस लोग का खसरा नंबर जो है वो नहीं मिल रहा था, बोले तालाब के किनारे में जो है बसे हुए हैं करके। इस योजना को जो है पटवारी साहब ने, भैया पार्षद महोदय ने बोला है कि इस योजना को अपने को लाना है और घर घर जो है 2.5 लाख रुपये जो है वो आपको जो है इसको योजना को वहाँ राज्य सरकार के पास हम लोग भेजे हैं और वो वहाँ से पास होके आएगा। तो अभी ये जो है मार्च के बाद में जो है इन लोग का जो है घर घर योजना वो हो जाएगा। सर आप बताओ कितना काम काज हुआ है आपकी नज़रों में, क्या मानते हो आप? जी मेरा कहना ये है कि हमारे वार्ड में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर के लिए पैसा नहीं मिला है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ की सरकार योजना ला रही है तो हमारे वार्ड तक ये योजना क्यों नहीं पहुंच रही है? हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद है, इनके निराश्रित पेंशन का मामला जो है ना यहाँ पर बहुत दिनों से पार्षद जी को अवगत कराया जा रहा है। पहली बात तो यह है पार्षद जी को ये समस्या का पता ही नहीं है क्योंकि वो 3 बार के पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद, अभी तक वार्ड में मतलब चेहरा ही नहीं दिखा है, यहाँ से लापता है, सीधा सीधा बोलना ये है इनका। ठीक है, अभी तो इनके थोड़े दबाव में महिलाएं बोल नहीं पाती, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या है अभी जो ये पीछे में तालाब है, एक बस्ती है अमरपुरी, इसके पीछे में तालाब है, ये तालाब के लिए 3 बार साफ सफाई और इसके रेनोवेशन के लिए पैसा आ चुका है। अभी तक आप तालाब को देखिए जाके, पूरा कचरा पड़ा है, तालाब के नीचे गड्ढा है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, 2 से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है यहाँ पर तालाब में डूबने की वजह से। ठीक है, 4-5 बच्चों की मौत हो चुकी है, ये सब चीज़ को ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। 15 साल से पार्षद है महोदय, 15 साल से पार्षद, अगर पार्षद महोदय यहाँ पे आएंगे घूमेंगे तब तो उनको इस समस्या के बारे में पता चलेगा। महिलाएं जाती उनके पास समस्या लेकर, उनका कहना ये कागज रख दो टेबल में मैं उठा लूँगा, मतलब ये आज 21वीं सदी के दौर में छुआछूत का माहौल है हमारे वार्ड में। यही चीज़ को हम मतलब उनके पास जाते हैं तो सुनते नहीं है हमारी बात। क्या समस्या है तालाब में? कुछ समस्या नहीं है, 5-6 जन लइका मन बुड़ गए है और अभी तक साफ करबो कहीं से साफे नहीं करे, पचरी बनाबो कहीं से हुल नहीं बनाई, अब कचरा वचरा सब उमा जात है और लइका मन कनी छोड़ के जाते काम में तहां से डूब उलन जाते, अब गिर जाते वहीं डूब जाते। वार्ड में साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा जो यहाँ पर इस कॉलोनी में जो एक तालाब है वहाँ पर नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं हो रही है, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, आप बताइए। वार्ड में जहाँ पे सड़क बननी चाहिए वहाँ सड़क नहीं बनती, जहाँ बनी बुनाई सड़क है उसके ऊपर फिर डामरीकरण होकर सीमेंट डाल के सड़क बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी ये बस्ती की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यहाँ के लोग अगर पार्षद जी के पास कुछ काम के लिए जाते हैं तो वो इनसे वो छुआछूत मानते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण घर का लड़का हूँ, यहाँ आता हूँ, लोग उठता बैठता हूँ तो बताते हैं ये बात को कि हम पार्षद जी के पास जाते हैं तो अपने को ब्राह्मण के नाते लोगों से छुआछूत मानते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या, आदमी समस्या बताए किसको बताए, पार्षद के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा अपनी समस्या बताने, इसलिए लोग एकदम त्रस्त और मन बना के बैठे हैं बदलाव का। मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लोग इसके पास जाओ उसके पास जाओ सिर्फ ठोकर खाते रहते हैं, और पार्षद के पास जाओ तो यही यहाँ छुआछूत सबसे बड़ा मुद्दा बना के लोग बोलते हैं नहीं मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, मिलते ही नहीं लोगों से, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे लोगों की। हम यहीं रहते हैं, यहाँ लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हाँ दादा, ये किया था तो उन्होंने वापस कर दिया। उसने मृत्युंजय भैया ने क्यों कर दिया वापस? वो बोले बाद में नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करते, मामला लेके ध्यान नहीं दे काम काम के लिए ध्यान कहाँ देते हैं? जो जाति प्रमाण पत्र भाई बच्चे का या उसके कारण उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के लोगों की राय थी। यहाँ पर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो शासन की योजनाएं हैं उसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके अलावा साफ सफाई इस वार्ड में बड़ा मुद्दा है, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया पार्षद के कामकाज को लेकर यहाँ से निकल कर सामने आई है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जी नमस्कार, मैं हूँ शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। जी हाँ, इसके साथ ही हम आज आ पहुँचे हैं मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड क्रमांक 46 के विद्यानगर मोहल्ले में, जहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा पुराने पार्षद का 5 साल का कार्यकाल, क्या कुछ विकास के दावे रहे उनके और कितना उन दावों पर खड़े उतरे पिछले पार्षद उनके। ये वार्ड रहा है पुराने पार्षद
एजाज ढेबर का, और हमारे साथ इस वार्ड की कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर पिछले कई सालों से रहते आई हैं और इन वार्ड की मूलभूत समस्याओं से लेकर के पूरे विकास कार्यों तक के हर चीज की जानकारी इनको बराबर है। किस प्रकार का काम हुआ है? अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, नाल उल भी सब लगा दिया है और अच्छा हुआ है। अच्छा, 5 साल पहले वार्ड कैसा था और आज 5 साल बाद पार्षद के आने के बाद किस प्रकार का? 5 साल पहले बहुत तकलीफ था। क्या क्या तकलीफें थी? नल पानी नहीं आता था और बोरिंग बोरिंग कुछ नहीं था। अब ये पार्षद है, जब से बोरिंग भी है, नल में भी पानी आता है, सुविधा भी है, नाली भी हमेशा साफ होता है। इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं, आइए हम किसी और लोगों की भी राय लेते हैं कि किस तरह का काम रहा है पार्षद का, कैसे देखती हो पार्षद के काम को। दीदी, किस तरह का काम रहा पार्षद का 5 साल में? बहुत अच्छा काम रहा है और आगे चल के भी बहुत अच्छा होने वाला है। जब से भैया आए हैं हमारे यहाँ पार्षद बन के, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे भी है और हम लोग को भी खुश लगता है। हमारा कहना भी बहुत सुनते हैं, हम जैसे गरीब है हमको बहुत चाहते भी हैं, हर चीज करते हैं हमारे लिए, दुख सुख का सब साथी है। अच्छा, तो दीदी आपका कहना है कि इस वार्ड का पार्षद एजाज ढेबर आप लोगों के दुख सुख का साथी है, अच्छे बुरे परिस्थिति पर खड़े होते हैं। अच्छा, रही बात इस वार्ड की कि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं जो वार्डों में होती है ज्यादातर सफाई, बिजली, रोड, इस पर किस तरह से फोकस किया गया? सब अच्छा है, सब चीज का अच्छा काम किए हैं। क्या क्या काम किए, कुछ आप एक दो काम गिना दीजिए आप इस वार्ड की महिला। देखो, सफाई तो रोजाना होती है, नाला पहले पानी भरता था, आजकल एक बूंद में नहीं भरता पानी, सट से निकल जाता है। हाँ, एकदम ही सही। मतलब आपका कहना है कि इस मोहल्ले में नाली वाली भी अच्छे से साफ सफाई चलती है। अच्छा, आप लोगों को पेंशन वेंशन कुछ मिलता है दीदी? नहीं भैया, हमको तो नहीं मिलता, लेकिन बुजुर्ग लोग को मिलता है। अच्छा, वार्ड पार्षद का व्यवहार किस प्रकार का है? दाई की जैसे कुछ समस्याएं होती, कुछ अपनी घर की समस्याएं होती है जो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन तक लेकर के जाते, तो आप कभी मिलने गए होंगे तो किस तरह का व्यवहार करते हैं आप लोगों से? अभी का पार्षद तो अच्छा साफ सफाई रख रहा है, हमारा मोहल्ला में भी चाहता है भाई। हाँ, तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, एकदम ही से बहुत अच्छे से। हम लोग जाते हैं तो बैठो बोलते हैं, चाय पानी सब मंगा के हमको बकायदा देते हैं। अच्छा दीदी, आप बताइए कि इस वार्ड में सामुदायिक भवन बना है, स्कूल बना है सरकारी? हाँ, सामुदायिक भवन बना है ना, वहाँ पर बना है। इस वक्त हम वार्ड के दूसरे इलाके में आप पहुंचे हैं और हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को पार्षद के। तो हम जानते हैं कि कैसा रहा 5 साल कार्यकाल पार्षद का? बढ़िया था, बढ़िया था। क्या कुछ विकास हुए वार्ड में, समस्याएं जो थी उन सबको हटाए हैं और विकास को लाए हैं? सब चीज ला रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, तो साफ सफाई हो रही है वार्ड में बढ़िया अच्छे से? हाँ, यहाँ का तो हो रहा है, साफ सफाई होता है। हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं इस वार्ड में, और महिलाएं हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। दीदी, किस प्रकार का काम रहा है वार्ड में 5 साल में पार्षद का? 5 साल में पार्षद का कार्य बहुत अच्छा रहा है, यहाँ सब चीज अच्छे से होता है। और जो बोल रहे हैं कैंप लगना, वो कैंप नहीं लग के मितानियों के थ्रू वो सब दवाई मिलता है। और पार्षद का व्यवहार किस प्रकार का रहा है, यहाँ आकर के मिलते जुलते 5 साल में कितने बार आए? बहुत अच्छा रहा है, सभी से अच्छे रिस्पेक्टफुली से बात करते हैं, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ। नमस्ते ही तो करना है, 5 मिनट का काम है, उसमें किसी का व्यवहार नहीं जाना जाएगा। और वार्ड में सामुदायिक भवन वन बना है, बढ़िया सब बना हुआ है। ये देखो सामने में, आपका जस्ट सामने में ही भवन बना है। अच्छा, अपने वार्डो के मोहल्लों में कितने बार निरीक्षण करने आते हैं महीने में पार्षद, और किस प्रकार का उनका रहता है? मैंने हफ्ते में आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। आप पीछे से पूछ लीजिए, दो लेडीज और लोग भी हैं इस वार्ड में, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। कि आपका कहना है कि हर हफ्ते आते हैं पार्षद, किस प्रकार का रहा है उनका काम? बहुत अच्छा रहा 5 साल में, हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा पार्षद का अच्छा काम आए हैं। और हमारे मोहल्ले का वार्ड में हर समय हफ्ते में रोज कचरे वाले लेने आते हैं, घर में झाड़ू लगाने वाले आते हैं, साफ सफाई करने वाले आते हैं, नली वाले आते हैं। कोई परेशानी होने से पार्षद को हम लोग बुलाते हैं तो तुरंत 5 मिनट में आके हम लोग का काम करवाते हैं। किसकी शादी हो, ब्याह हो, कोई परेशानी हो, मौत हो, मिट्टी हो, हमारे पार्षद हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 5 साल पहले किस तरह से वार्ड में बड़ी समस्याएं थी जिसको पार्षद ने हटाया? जी, पहले पानी भरता था और जगह जगह गंदगी, बच्चे लोग लैट्रिन कर देते थे, कचरा फेंक देते थे। जब से हमारे पार्षद आए ना, सब से हमारा वार्ड साफ है।
आपको इस बात पता है कि नहीं, इस वार्ड में सबसे साफ, रायपुर के सबसे साफ सुथरा वार्ड का अवार्ड मिला है, तो इस प्रकार का काम हुआ है इस वार्ड में? जी बहुत अच्छा काम हुआ है और हमारा पार्षद एक नंबर में आ गए हैं और उनको इनाम भी मिला है। इनाम भी मिला जी। और तीस त्योहारों पर आते हैं आप लोगों से मिलने जुलने? आते हैं हमारे पार्षद आते हैं और हम लोग के नया खेमे खुद के खर्चा करके हमको इनाम भी दिया जाता है जी। साड़ी है, जैसा कपड़ा है, लत्ता है, कम्बल है, बर्तन है, ये सब कुछ देते हैं, अपने तरफ से देते हैं गरीबों को। अच्छा, रही बात ये सब तो वार्ड की समस्याओं की, अगर कुछ आपके घरों पर समस्या हो उसको लेकर के जाते हैं आप लोग, तो उसका हल निकलता है? निकल जाता है। वो भी निकल जाता है। हाँ जी, जैसा हम कोई कागज बनाना हो, कोई पट्टा बनाना हो, कोई बच्चे लोग का स्कूल का सब कुछ करना, तो हमारे पार्षद हमको कर देते हैं, नहीं नहीं बोलते। हमारे साथ ये दादा भी हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं आप पार्षद के 5 साल के कार्यकाल को? पार्षद तो एक नंबर फैंटेस्टिक आदमी है, हर चीज करता है, एक फोन पे दौड़ के आता है, किसी को पानी का प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व करता है, किसी को और कोई चीज का प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व करता है। कांग्रेस की सरकार जब से आई तो सबसे और अच्छा है। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने से यहाँ पर बदलाव आया है? बहुत कुछ बदलाव आया है, बिजली बिलों का आया है और सारे चीज़ों का, बाजार का, मार्केट का, नाली का, सफाई का, घर घर आके कचरा ले जाते हैं और सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इस वार्ड के हम कई इलाकों पर परिक्रमा किए हैं, सर्वे किए हैं और इस वार्ड में जो समस्याएं थी, इस वार्ड के लोगों का कहना है कि इस वार्ड की समस्याओं को पार्षद ने अपना घर की समस्या को समझकर इस वार्ड का निराकरण किया और हर एक सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं होती है इस वार्ड में लोगों की, जनता की, उस मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाया है और आगे भी आने वाले चुनाव में, आने वाले कार्यकाल पर पार्षद के इन सब वार्ड के लोगों का एक ही कहना है कि हम एजाज ड्राइवर को वापस यहीं से बनाएंगे पार्षद। कैमरामैन रेख राम के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। वर्तमान पार्षद ने अपने वार्ड में कितना कामकाज किया, 5 साल जो उनको काम करने के लिए मिला था उसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया, इसके अलावा समस्याओं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, उसको दूर करने का के लिए क्या प्रयास किया, यह जानने हम आज पहुंच चुके हैं वार्ड क्रमांक 48 मदर तेरेसा वार्ड। इस वार्ड के अगर परिस्थिति की बात की जाए तो अभी ये परिसीमन के चलते वार्ड में परिवर्तन हुआ है, पहले 43 वार्ड था, अब जाके ये 48 वार्ड हो गया है। वर्तमान में भाजपा के कचरू साहू यहाँ से पार्षद हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, वार्डवासी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान पार्षद ने यहाँ पर कितना कामकाज किया, जो पार्षद को 5 साल पहले उन्होंने जिताया था उनकी समस्याएं दूर करने का कितना प्रयास उन्होंने किया, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये 5 साल का कामकाज कैसा रहा है पार्षद का? किन का? 5 साल जो वर्तमान पार्षद यहाँ पर रहे हैं, कुछ भी नहीं रहा 5 साल तक उनका, उनका एक ही रहा कि मतलब आए और गए। मतलब यहाँ पर ऐसा था कि 5 साल में 5 दिन भी यहाँ झांकने के लिए नहीं आए। हमारे अजीत भैया ने इतना अच्छा काम करके दिया, इतना अच्छा काम किया, हमारा पानी चालू करवाया, हमारी बिजली वो करवाए, कम करवाए और यहाँ तक कि जो पाइप पे जो पूरा पानी बह रहा था देख लीजिए आप, ये पूरा पानी वानी का सबका बंदोबस्त अजीत भैया करवाए और आने वाले दिनों में अजीत भैया विकास की गंगा बहाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है और हम भरोसे के साथ अजीत भैया के साथ हैं। तो अभी जो वर्तमान पार्षद हैं कचरू साहू, उन्होंने समस्याओं, जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं उसको लेकर ध्यान दिया, पानी बिजली सड़क को लेकर? नहीं, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी जैसा राशन कार्ड का जो चला, राशन कार्ड का चला तो बोलते थे कि मेरे यहाँ छोड़ दो, दस्तखत करने के लिए छोड़ दो मेरे यहाँ, और हम लोग जाते थे सैनी स्कूल के सामने, वहाँ बोलते थे कि मेरे घर में लाकर छोड़ दो, जब घर में छोड़ देते थे दूसरे दिन लेने जाते थे तो गुम हो जाता था, तीसरे दिन बोलते थे कि हम नहीं जानते, ये हमारा काम नहीं है, जाओ नगर निगम में फिर से तो सब कर डिसाइड कर दिया वो करो, अप्लाई करो। तो ये सब बातें, जो मेंबर, जो पार्षद चुना होता है, ये घर का एक मेंबर होता है, घर का एक सदस्य होता है, वो सदस्य ही हमको धोखा देगा तो हम किसके पास जाएंगे हैं? आज मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, स्वराज जी का जो आपका मीडिया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे पास आए और आप लोगों ने जो हमसे सवाल किया और हमारे जो दिल की जो बातें हैं हमने आपके पास रखी। यहाँ बताइए, बराबर सफाई यहाँ पर होती है? यहाँ बराबर सफाई तो नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ सुविधा होने के बावजूद निगम इतनी सुविधा देते हैं पार्षद को लेकिन सुविधा नहीं दे पाते हैं,
क्योंकि कहीं काम वर्कर भेजते हैं तो एक वर्कर भेजने से एक वर्कर इतनी बड़ी कॉलोनी को सफाई नहीं कर सकता, इसीलिए ना हम लोग ये है कि निगम काम देता है लेकिन पार्षद ध्यान नहीं देता। वही चीज़ बता रहा हूँ, निगम के पास इतने चीज़ रहते हैं, पर्याप्त रहते हैं, पार्षद के ऊपर रहते हैं, लेकिन पार्षद अगर ध्यान दे तो हर चीज़ सुविधा हो सकता है। लेकिन हमारे जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं कचरू साहू जी, कभी यहाँ झांक के भी नहीं देखे, कभी एक बार आए बीच नहीं है। और कुछ काम के लिए जैसे बच्चे लोगों का कुछ मार्कशीट में कोई जाति प्रमाण पत्र आया, प्रमाण पत्र साइन कराने जाओ तो तुम आप मेरे वार्ड के नहीं हो बल्कि हमको हटा भी देते थे। लेकिन हम लोग इधर उधर से भी जैसी करके भी हम लोग करवा लेते थे। ऐसी ऐसी सुविधा मिलते हैं सरकार से कि पार्षद को मालूम रहता है, हमको भी मालूम है कि निगम से हमको क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं क्या खाली पार्षद के पास ही रह जाती है, बाकी व्यक्ति के पास वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। जिसको मालूम रहता उस सुविधा वही व्यक्ति को ही बस मिलती, लेकिन पर्याप्त व्यक्ति को नहीं मिल पाती। अभी बड़ी समस्या है वार्ड में जिनको दूर करने के प्रयास वर्तमान पार्षद ने नहीं किया। एक्चुअली देखो, जहाँ भी व्यक्ति रहते हैं एक्चुअली वहाँ साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ साफ सफाई की वजह से ही लोग निरस्त हो गए, एकदम परेशान हो गए थे। क्यों, जिस जगह में व्यक्ति रहते हैं उसको बोलते हैं ना प्यार का मंदिर, लेकिन इस जगह प्यार का मंदिर, कचरा तो हर जगह होता है, जहाँ दुकान रहे बच्चे रहे कचरा होने ही छोना, लेकिन कचरा साफ करने के लिए हर समय व्यक्ति भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं भेज पाते थे। हमारे वार्ड में नहीं रह के भी उस व्यक्ति ने हमारा काम कराया, जैसे अजीत कुकरेजा जी ने हमारे वार्ड के नहीं रह के भी हम बोलते थे सर ऐसा ऐसा बात है, तो हमारे वार्ड में बकायदा कर्मचारी भेज के काम करवाते थे। आप बताइए भैया, एक पार्षद के दायित्व होता है कि वो मूलभूत सुविधाएं, पानी बिजली सड़क को लेकर वहाँ पर ध्यान दे, इसके अलावा जो लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर व्यक्तिगत तौर पर सुलझाए, तो उन्होंने प्रयास किया क्या इसके लिए? वो तो आज तक पहली बात मोहल्ले में आए नहीं है, जब से पार्षद बने एक राउंड उन्होंने नहीं मारा यहाँ मोहल्ले में, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। और रही राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, ये सब बनाने के लिए सरकार सुविधा निकाली थी, उसके लिए भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और मतलब जो शासन की योजनाएं हैं उसको लाभ लोगों को दिलवाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। तो ये क्षेत्र के लोग फिर अजीत भैया के पास जाना चालू किए, तो अजीत भैया ने सबका राशन कार्ड, परिचय पत्र, हर किसी के लिए मेहनत की, अपने लड़कों को यहाँ लगाया कि इनको लेके जाइए, इनका बनवाइए करके। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा यही उठेगा कि यही साफ सफाई, नाली, पाइप सब टूटा हुआ है, बहुत लोगों को परेशानी है, यहाँ नाली का पानी पूरा अंदर तक घुस जाता था फर्स्ट वाले फ्लोर पे, बहुत दिक्कत परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। कचरा ऐसा हो गया कि कचरा नहीं, हम ही लोग कचड़े हैं, ऐसा हो गया। तो इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। ये 5 साल आप मन के पार्षद रही से, कितना काम यहाँ पर करी से 5 साल में? कुछ काम नहीं किए हैं सर, कुछ भी काम नहीं किए हैं। वो तो सीधे मुंह हमसे बात भी नहीं करते, ना मोहल्ले में तो कभी आए भी नहीं हैं वो। एक बार हम लोग पानी का समस्या लेके उनके यहाँ गए थे कि पीने का पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, राशन कार्ड का समस्या लेके गए थे, साफ सफाई का समस्या लेके गए थे, लेकिन वो मिला ही नहीं। घर अंदर घुसा हुआ था, उसका लड़का आके बोलता है कि मेरे पिताजी नहीं हैं घर में, और वो थे घर में, लेकिन हमसे ना अच्छे से बात भी नहीं किए और हमको भगा दिए वहीं से। फिर हम लोग क्या समस्याएं भी आ रही है वार्ड में देखा जाए तो? पीने का पानी का तो फिलहाल अभी ठीक है, बसरता ये क्या बोलते हैं साफ सफाई का, और घर से ऊपर का जो पानी है वो टपक रहा है घर के अंदर, और बाहर भी जो पाइप टूटा है उसका भी समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ अब अजीत भैया जीतेंगे तो उन्हीं के कचरू साहू थे पार्षद वो यहाँ झांकने आते थे समस्याएं देखने, तो कभी आए ही नहीं है मोहल्ले में, घुसे भी हम तो देखे भी नहीं है कचरू साहू है कौन। जी हाँ जी, आप बताइए माँ, पेंशन वेंशन के लाभ मिलते हैं? नहीं भैया, मोर ना आगे नहीं है, पाछे नहीं है, बेट लोग लड़का नहीं है, इन निराशी दे दी कि लड़का लोग मोर कोई नहीं, सहारा मोर डोकरी डोकरा। गेरे गेरे हम तो नहीं बनाई बोल दीस, मोला गेरे हम यहाँ 2 महीना के बाद में, तो तोरा अभी उम्र नहीं हो बोल दीस। तब मैं बोले कि ठीक है नहीं हो उम्र था ऐसे का पास आ गए, तो काम वाम करे ठीक ठाक करो भैया, कमजोर हम यहाँ नहीं, वो काम वाम करे पार्षद है, कुछ काम का काम करी वो दिन दस्तखत दीवार गए तो बाहर निकाल दी, मोहल्ले में आता ही नहीं ना बेटा, किसको शिकायत करे, घर जाते तो घर मिलता नहीं है तो कहाँ ढूंढेंगे, बताओ ना आप। बताओ समस्या ला लेके ध्यान दी से पार्षद ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे है, पार्षद तो यहाँ आए भी नहीं, पार्षद तो अपन वहीं रही थे अपने श्याम नगर तरफ ही आते, हमारे यति कोई नहीं आए, मोहल्ले में ध्यान ही नहीं देवे, जो भी समस्या रही थी तो हम लोग खुद वहाँ जाए पड़ते, कभी वो मिले भी नहीं, ऐसी परेशानी।
तो ये मदर टेरेसा वार्ड का बीएसयूपी कॉलोनी है जहाँ पर काफ़ी समस्याएं से निकल कर सामने आ रही है, और जो वर्तमान पार्षद है कचरू साहू वहाँ पर उन्होंने कुछ काम यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ जो वर्तमान पार्षद है वो यहाँ पर समस्याओं को देखने तक नहीं आते, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए भैया, वर्तमान पार्षद का कामकाज कैसा है, पाँच साल में कितना विकास यहाँ पर हुआ? वर्तमान में पार्षद का तो सबसे पहली बात ये है कि उसका जिम्मेदारी क्या होता है उसको खुद को मालूम नहीं है। पाँच साल में वार्ड में क्या काम करना है, क्या देखना है, एक पार्षद का जिम्मेदारी जो होता है रोड नाली बिजली पानी राशन कार्ड है ना बुजुर्गों का निराश्रित पैसा, ऐसा ऐसा कोई काम एक थो भी नहीं किया है, पूरा वार्ड को गंदगी करके रख दिया है। आज हम लोगों ने बोरिया कला में रहते थे, आके दो वर्ष हो गया हम लोगों को यहाँ, हम लोगों ने जाके कोई भी काम को समस्या को लेके गए हैं, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कि बोले हम आपको जानते ही नहीं हैं। एक पार्षद अगर वार्ड की व्यवस्था देखते हुए भी नहीं देख रहा है तो ऐसे पार्षद रखने कोई मतलब नहीं है। आज हम बोलते हैं, आज अजीत भाई ने दूसरा वार्ड का रहते आज हम लोगों का सारे समस्या का दूर किया, समाधान किया। आज इसीलिए आज हम लोगों ने व्यक्तिगत आज पूरे वार्ड वासी मिल के हमें चाहते हैं कि आज ये जो चुनाव है ये पार्टी का लेवल का नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, इसीलिए हमको जो सुविधा देगा जो काम देगा उसी को हम जिताएंगे। इसीलिए हमने आज फैसला किया है कि अजीत भाई को हम जिताएंगे और ये यहाँ का पार्षद बनाएंगे। तो मदर टेरेसा वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ यहाँ पर काम नहीं हुआ, सीधे तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि जो वर्तमान पार्षद हैं कचरू साहू वो समस्याओं को जानने तक यहाँ पर नहीं आते और जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।